बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर टू कर रहे हैं और हम उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कर चुके हैं। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे रेडिकल्स को, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना है कि मोमिनीन की खसूसियात क्या होती हैं, और ये खसूसियात इंशाल्लाह हमने अपने अंदर पैदा करनी है। जो मोमिन होता है वो जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए, बुरे कामों से दूर रहते हैं, चाहे वो आँखों से बुरी चीज़ों को देखना हो या हाथों से बुराई के कामों में पाँव से चल के जाना, नरम खूह होते हैं, आहिस्तगी से नरमी से बात करते हैं दूसरों के साथ, गंदगी नहीं फैलाते, अपने आप को भी साफ रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी माफ़ कर देते हैं दूसरों की गलतियों से, दूसरों की पीछ पीछे बुराई से बचते हैं जिसको गीबत कहते हैं, और सदका देते हैं और कुरान मजीद सुनते हैं और कुरान मजीद को तर्जमे के साथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कैसे इखलाक कैसे होने चाहिए, मामलात कैसे होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपने नबी की बातों पे अमल करने के लिए कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले हमारा रब कैसा है, जिसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो मुझे रिजक भी देता है, बीमारी भी उसी की तरफ आती है, मुझे दुआएं भी उसी से मांगनी है। और कुरान पढ़ने से पता चलता है सच्ची कामयाबी क्या होती है, सुकून किसको कहते हैं, खुशी क्या होती है। तो आज से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें। तो आज हम करेंगे चैप्टर टू की एक्सरसाइज नंबर 2.3, और उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम पहले से रेडिकल क्या होता है, रेडिकल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देख चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंबल जो है वो रेडिकल का सिंबल कहलाता है, जो उसके बाहर नंबर वो इंडक्स कहलाता है और उसके अंदर रेडिकेंस होते हैं। अब ये है सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ऑफ द रेडिकेंस की, जो नंबर इनसाइड द रेडिकल है। तो ये हमारे पास आ गया फाइव आ गया, तीन फाइव आ गए हमारे पास, तो माइनस 125 जो है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव और माइनस फाइव। अब हमने करना है कि इंडक्स में क्यूब रूट है, थ्री है, तो हमने हमारे पास भी जो है अंदर तीन वो हैं फाइव, तो हम इनको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो जाहिर है अंडर रूट के अंदर ज़ीरो है तो उसको हम हटा देंगे, हमारे पास इसका एक आ जाएगा माइनस फाइव इज़ द आंसर। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, ये है इंडक्स फोर और 32 रेडिकेंड है। अब आप वीडियो यहाँ पर स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लें, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप देखें कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास ये टू आ गया पांच टाइम। तो अब हमने फाइव टूस को लिखना है। अब हमने देखना है कि बाहर चार है, तो हमने इसी तरह पांच में से चार को बाहर ले लिया, तो टू जो है बाहर आ गया, एक टू अंदर रह गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है फाइव और 3/32 रेडिकेंड्स है। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, खुद से इसको सॉल्व करें। अब आप देखेंगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थ्री जो है उसको हम मज़ीद उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम नहीं कर सकते, तो हमने थ्री को ऊपर डिवाइडेड बाय अंडर रूट रेडिकल बेस, इसका इंडेक्स फाइव है और 32। अब हमने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो अब हमने देखना है कि जो इंडेक्स है वो फाइव है और टोटल नंबर ऑफ टू जो है वो भी फाइव है, तो हम टू को फाइव जितना बाहर निकाल लेंगे, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, फाइव इंडेक्स है और रेडिकल के अंदर तीन है, डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखें कि इंडेक्स क्या है, उतने डिजिट्स को बाहर निकाल लें, अगर कोई अंदर बचता है तो उसको अंदर रहने दें, वरना वो उसको सिंबल को हटा दें। अब ये है हमारे पास माइनस 8/27,
अब इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और फिर इसका आंसर देखते हैं। अब आप ये देखें कि 8 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है और 27 की भी। तो पहले हमने 8 की और फिर हमने 27 की। तो अब हम जो है हमारे पास जो इंडेक्स है वो 3 है। तो अब हमने जो है वो दोनों जो फिगर्स हैं हमारे पास दोनों में तीन तीन डिजिट्स हैं, तो हम इनमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो रेडिकल का साइन जो है वो ओमिट हो जाएगा और -2/3 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करने का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।